हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मायसेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माय यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड, थ्रू कादरी कोचिंग क्लासेस वंस अगेन आई हैव टेलिंग टू यू, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे। My dear friends, already I have discussed improvement in food resources. इस टॉपिक को मैंने पहले ही आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आज हमको आपको इसमें यह समझाना है, मैंने कहा था कि दिस टॉपिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th अप टू क्लास 12th स्टूडेंट्स, नॉट बी ओनली अ सिंगल क्लास स्टूडेंट्स, इन होल क्लास स्टूडेंट दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी विल हैव डिस्कसिंग हियर हाउ वी कैन प्रोवाइड टू द प्रोडक्शन एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड टू अ प्रोटेक्शन। हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर टू एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन, सेकेंड इज द प्रोटेक्शन। So my dear friend, we will have discussing here today. Already we have told to you, a good farmer those who have take little land, little amount, little piece of land and find out to the maximum amount of grains and find out to the maximum amount of grains. My dear friend, मैंने इसके लिए आपको पहले ही बताया कि एक अच्छा किसान वो माना जाता है जो कि कम खेती में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी उपज पैदा कर ले, ग्रेन्स को पैदा कर ले, अनाज को पैदा कर ले। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा प्रोडक्ट जो टॉपिक है वह है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड अदर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। वी हैव डिस्कसिंग हियर टुडे टू पॉइंट्स दोज यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स। सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्रोडक्शन पर। माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोज आर सिंपल एकर इन सोयल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोज आर सिंपल एकर इन सोयल एंड दोज आर सिंपली टेक टू द प्लांट्स बाय देयर ओन रूट्स विद इन द सोयल। अपनी जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं और कितने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको सॉइल में मिल नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं और जो है प्लांट्स को ऑलरेडी मिल जाते हैं जो सिंपली सॉइल पर ग्रो करते हैं। अंदर एलिमेंट्स पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद का टॉपिक देखेंगे विद इन द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के केस में हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सबसे पहला हमको जो मैनेजमेंट करना है उसका वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। पोषक तत्वों का किस तरह से हम प्रबंधन करते हैं, किसी पौधे को किसी क्रॉपिंग को अच्छे रूप में करने के लिए जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम अच्छी क्रॉपिंग करें। तो हम अच्छी क्रॉपिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम अच्छी क्रॉपिंग करने के लिए पहले मेंटली मैच्योर होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमको कौन सी क्रॉपिंग करनी है और किस क्रॉपिंग के लिए किस प्रकार के एलिमेंट्स, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड कराने, किस प्रकार के पोषक हमको देने हैं। तो इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में माय डियर फ्रेंड्स आते हैं मैन्योर, एलिमेंट्स, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एनपीके डाई हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो हम मार्केट से फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं, फर्टिलाइजर कब यूज करना है, मैन्योर कब यूज करना है,
इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है आज हम आपको बताएंगे। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थों का प्रबंधन हम क्या कैसे करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है, हमारे पास जितनी भी फील्ड है, हम सबसे पहले से अपनी बॉडी की पैथोलॉजी कराते हैं। सेम एज जस्ट लाइक ऐसे हम सॉयल पैथोलॉजी में भी होते हैं। सॉयल पैथोलॉजी ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दोज यू डील्स आर दोज यू डिस्कस द सॉयल न्यूट्रिएंट्स। सॉयल पैथोलॉजी ये आपको बताती है, हमको बताती है कि सॉयल पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमको कितनी मात्रा में जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स को कितनी मात्रा में हमको डालना। इसके लिए हम करते क्या है कि हमारी सी एक लंबी सी फील्ड होती है, उस लंबी सी फील्ड में से हम करते क्या है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी को तीन चार जगहों से ले लेते हैं, 3 or 4 places से मिट्टी को ले लेते हैं और ले करके हम सॉयल पैथोलॉजी पर जाते हैं और ये जो है क्लियर करवाते हैं कि इस पैथोलॉजी इसमें देखिए वहां पर जो है चेक करवाते हैं कि हम इस हमारे सॉयल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं या किस न्यूट्रिएंट की अधिकता है और किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है उस न्यूट्रिएंट्स को पहले हम सॉयल में पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए हमारे पास दो बेस होते हैं। वो दोनों कौन से बेस होते हैं? एक होता है मेन्योर और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। एक डिकम्पोस्ट खाद होती है, दूसरा उर्वरक होता है। डिकम्पोस्ट जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो घर में से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल है और जो सड़े गले पदार्थ जो हम स्टोर करते हैं उनसे जो कंपोस्ट खाद बनती है, उस कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, वो खेतों के लिए सबसे लॉन्ग टाइम और वेरी बेनिफिशियल है। लॉन्ग टाइम एंड वेरी बेनिफिशियल, लंबे समय तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक। दूसरा है फर्टिलाइजर लिमिट टाइम ऑफ ड्यूरेशन बट दे हैव नॉट बी कंप्लीटली यूजफुल फॉर द प्लांट्स। ये उपयोग तो है, उपयोगी है, लेकिन कंप्लीटली यूजफुल फॉर द प्लांट्स नहीं है। हम ये टाइमली इसको देते हैं प्लांट्स, उस समय के लिए वो डेवलपमेंट की क्रिया को जो है आगे बढ़ाता है, विकास की क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो ध्यान रहे कि ये लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन का नहीं होता बल्कि ये शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। ये लंबे समय तक ना होकर के बल्कि ये शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, एक छोटे समय के तक के लिए ये चलता है। इस बात को ध्यान में रख करके आइए देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर जो आज हम आपको बताने चल रहे हैं उसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात पर विशेष आप ध्यान देंगे कि जो मैंने कहा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड, अगर किसान का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम और आप अपनी लाइफ को कैसे और किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इसको हम ध्यान में रख करके, इसको दृष्टिगत रख करके हम ये जानना चाहें, हमें जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भारत के जो है लगभग 55% जनरेशन ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर कर रही है, जो कि कृषि कर रही है। यह इतनी जनरेशन जो कृषि कर रही है, इस कृषि करने वाली जनरेशन का सबसे मेन प्रोसेस यह होता है कि हम हाई प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कैसे प्राप्त करें, हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को कैसे प्राप्त करें, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को ध्यान में रख करके आपको अधिक से अधिक फसलों को प्राप्त करना है तो आइए देखते हैं यहां पर आपको अधिक से अधिक फसलों को प्राप्त करना है। फसलों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि जो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं पहले पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो है सॉयल में किस प्रकार के कितने न्यूट्रिएंट्स की कैसे कितना क्या कमी है, किस परसेंट में कमी है, मेन्योर की कमी है या फर्टिलाइजर की कमी है। सबसे पहले हम उसको मेन्योर से कंप्लीट करना शुरू करते हैं और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कंप्लीट करना शुरू करते हैं और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जब कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर के हम उसको जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। जब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम लेते हैं तो उसका यूज करने के लिए हम करते हैं क्या है, उसको सबसे पहले हम आसानी पूर्वक जो है उसको खेत में फील्ड में अपने स्केटिंग करते हैं, छिड़काव करते हैं, फिर उसकी प्लोइंग कराते हैं। प्लोइंग कराने के बाद उसको जो है इरिगेट कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, भर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से जो इसमें मिट्टी में जो है मिल जाए। फिर उसके बाद ड्राई होने के बाद फिर से उसकी प्लोइंग कराते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा खेत जो फील्ड पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है। जब हमारी फील्ड कंप्लीट प्रिपेयर हो जाती है फिर उसमें हम क्रॉप क्रॉपिंग करते हैं, फिर उसमें फसल को लगाते हैं, सीड स्कैटरिंग करते हैं,
सीड स्कैटरिंग करने के पश्चात तब हमको ये पता चलता है कि जब जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, जर्मिनेशन करने के लिए भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वीट की क्रॉपिंग हमको करनी है, पैडी की क्रॉपिंग करनी है, इस तरह की जो क्रॉपिंग करनी होती है उनके लिए हमको डाई है, एनपीके डाई है, पोटास है, इस तरह से रिएजेंट है, ऐसे रिएजेंट जो कि दीमक जिससे न लगे, जिससे फसलें न सूखे, उन सभी का प्रयोग हम करके मींस जो हमने ह्यूमस का भी यूज किया, मेन्योर का भी यूज किया, और जब जब हम सीड स्कैटरिंग कर रहे हैं, खेत में सीड को स्कैटरिंग कर रहे हैं, फील्ड में सीड को स्कैटर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मैंने फर्टिलाइजर का भी यूज किया। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सीड का जर्मिनेशन तो हो जाएगा, सीड हमारा जर्मिनेट तो कर जाएगा। अब सीड के जर्मिनेशन के बाद हमको देखना है सीड का डेवलपमेंट, मींस जो प्लांट डेवलप कर रहे हैं उनका विकास किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। यदि उनका डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो हमको क्या करना है, ये सारा मैनेजमेंट, सारा प्रबंधन हमारे किसानों के ऊपर। मैंने कहा कि हमारे जो 55% ऐसे जो फार्मर्स हैं जो कि कंप्लीटली अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं खेती पर, तो इस तरह से मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये सभी लोग हमारे इस टॉपिक को ध्यान से सुने और किस प्रकार से खेती को आगे बढ़ाया जाए उस विषय पर मैं आपको जो है तथागत स्थितियों को वर्णन करना चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्टिलाइजिंग करते हैं, पहले मेन्योरिंग करते हैं, फिर सिंचाई कर देते हैं, फिर उसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद फिर से उसके प्लोइंग कराते हैं, प्लोइंग कराने के बाद फिर से हम उसमें जो है तब सीड स्कैटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने फर्टिलाइजर कौन कौन सा यूज करना है, फिर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर तो फर्टिलाइजर को यूज किया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं, सॉइल में 16 एलिमेंट्स हैं, इस बात को ध्यान में रखकर के हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर को इतना नहीं यूज किया जाना चाहिए कि आपका प्लांट जो वो डेड एंड डिकेट कर जाए, या ऐसा ना हो कि प्लांट की जर्मिनेशन ही ब्रेक कर जाए, या ऐसा ना हो कि जर्मिनेट होने के बाद प्लांट जो ड्राई हो जाए, सूख जाए। कहीं हम में जो है फर्टिलाइजर का अमाउंट जा चुकी है, केमिकल्स होते हैं और फर्टिलाइजर का अमाउंट अगर हम ज्यादा कर देंगे तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फार्मर्स, ये जो होते हैं ये फसलें आपकी पूरी तरह से सूख सकती हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। और मैं अपने क्लास 9th to up to class 12th के बच्चों से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वो भी इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखे, कहीं ना कहीं वो फार्मिंग से बिलोंग कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, वी आर सैप्रोफाइट, वी आर नॉट ऑटोट्रॉप, वी आर हेटरोट्रॉप्स। मैं स्वपोषी नहीं हूं, मैं क्या हूं, परपोषी हूं। और हमारे पोषण कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, तो क्रॉपिंग करती है। माय डियर फ्रेंड, अगर इस क्रॉपिंग को हमने ध्यान नहीं रखा तो हम किस तरह से अच्छी फसल को पैदा करेंगे। तो अच्छी फसल को पैदा करने के जो मैंने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको बताए, तो इतने उपाय कर देने से फसलें सिर्फ जर्मिनेट तो कर जाएंगी, बट जर्मिनेट करने के बाद के आगे के प्रबंधन आपको स्वयं देखने हैं। आगे के प्रबंधन में क्या देखना है कि आगे के प्रबंधन में आपको यह देखना है अब उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट किस तरह से होता चला जा रहा है, जो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है वो सीड का डेवलपमेंट कितना तेजी से हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है। अगर धीमी गति से हो रहा है तो उस लिमिट टाइम और ड्यूरेशन में आपको तेजी के साथ सीड का डेवलपमेंट कराना है, क्रॉप का डेवलपमेंट कराना है। फसलें जब बढ़ेंगी तो टाइमली उसमें जो फ्लावरिंग होनी चाहिए, टाइमली उसमें फ्रूट्स आने चाहिए, टाइमली उसमें सीड्स आने चाहिए, टाइमली उसमें जो है वो अनाज ग्रेन्स के मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। इस तरह से अगर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं तो फिर जाए कहीं जाकर हम इसको बेनिफिशियल वे में लेते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो हम इसको बेनिफिशियल वे में नहीं लेते हैं। तो एक अच्छे किसान की ये जो है जानकारी होनी जरूरी होती है। मैं अलीमुद्दीन शेख कौधरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कौधरी के माध्यम से मैं आप सभी को इस बात को पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि हमारा पहला पॉइंट होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के विषय मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम एक ऐसा किसान जो होता है वो एक उसकी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कम मजबूत होती है। किसान की आर्थिक स्थिति तब मजबूत होती है जब किसान को अच्छी फसल प्राप्त हो। यदि किसान को अच्छी फसल नहीं प्राप्त होती है तो किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं रहेगा। आप सोचिए कि अगर किसान को ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाए, ज्यादा उसमें किसान को खर्च करना पड़ जाए और खर्च करने के बजाय बेनिफिट उसको कम मिले, लो मिले, तो क्या करेगा किसान, इज गोइंग ऑन लॉस, वो हान में चला जाएगा। और दैट्स नॉट ए गुड फार्मर, एक अच्छे किसान की श्रेणी में नहीं आएगा।
अच्छे किसान की श्रेणी में आने के लिए आवश्यक है इन सारे पैटर्न्स का पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए, टाइमली मैन्यूरिंग की जाए, टाइमली फर्टिलाइजिंग की जाए। उसके बाद आइए देखते हैं कि इरिगेशन हमारा मिस पॉइंट होता है। इरिगेशन माय डियर फ्रेंड, इरिगेशन मिस होता है सिंचाई, जो फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सिंचाई, सिंचाई करना क्या, हमारे पास सिंचाई के लिए जो है यहां पर हमने जो है 5 पॉइंट्स शो किए हैं। 5 पॉइंट्स में डग वेल, ट्यूब वेल मींस वेल जो होते हैं, ये सिंचाई है। सिंचाई के लिए वेल्स, वेल्स दो होते हैं, एक डग वेल्स कुआं होता है और एक ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल होती है, सबमर्सिबल है, ट्यूबवेल है, इससे सिंचाई करते हैं। कैनाल, नहरें होती हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम, नदियां हैं, नदियों से लिफ्ट सिस्टम से हम पानी को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके कैनाल के थ्रू उसको जो है हम ले जाकर के अपने फील्ड की सिंचाई करते हैं, अपने खेत की सिंचाई करते हैं। और चौथा होता है टैंक सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, टैंक में वाटर को स्टोर किया जाता है और जब हमको जो है इस तरह के जो अपनी क्रॉपिंग को जो है अपने क्रॉपिंग को इरिगेट करना होता है, अपनी फसल को सिंचाई देना होता है, तो हम उसको जो है स्प्रिंग इरिगेशन कर देते हैं या जिस प्रकार की फसल में इरिगेशन की आवश्यकता होती है, ड्रॉप इरिगेशन करते हैं, स्प्रिंग इरिगेशन करते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ इरिगेशन, विभिन्न प्रकार के इरिगेशन करते हैं। इसके लिए मैंने अभी आपको पिछले अपना हमारा जो पिछला जो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का जो हमारा पिछला टॉपिक मैंने अपने इसी अलीमुद्दीन शेख कादरी के यूट्यूब चैनल पर जो मैंने अपलोड कर रखा है, उस चैनल मैंने आपको बताया, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से कहां की लैंड है तो किस प्रकार से हमको क्रॉपिंग करनी है। माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरह से हिली एरियाज में है तो क्रॉपिंग कैसे करनी है, और जो है एक सेम फील्ड है, एक प्लेन फील्ड है तो क्रॉपिंग कैसे करनी है, और एलोवियल सॉयल है तो क्रॉपिंग करनी कैसे है, क्ले है तो आप क्रॉपिंग कैसे करनी है, किस सॉयल में किस प्रकार की क्रॉपिंग की जाती है, ये ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक होता है इरिगेशन। इरिगेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फार्मर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंचाई, सिंचाई अगर न की जाए तो फसलें पूरी तरह से सूख जाएंगी। तो सिंचाई कब करनी है और कब कब नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे हमने कहा ना कि पेड़ पौधे भी हमसे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे उनसे बात करने का आशय यह होता है कि हम देखते हैं उनके पास जाकर के, तो उनको समझते हैं कि इनको अब पानी की आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे दोपहर के समय या शाम के समय मुरझा जा रहे हैं तो वो इसका मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि हमको इरिगेट करना है, हमारी सिंचाई होनी है। तो फार्मर इस बात को समझ जाता है, गुड फार्मर है, इस बात को समझ जाता है कि अब हमको इसको सिंचाई में ले आना है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम डगवेल कुएं से सिंचाई कर देते हैं, ट्यूबवेल है जिसमें मैंने आपको बताया, ट्यूबवेल के सिस्टम में मैंने आप वही अभी आपको बताया कि हमारे पास सबमर्सिबल होते हैं, हमारे पास ट्यूबवेल होते हैं जिसकी सहायता से हम इरीगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि कैनॉल्स हैं, नहरें हैं, कैनॉल्स में वाटर आ रहा है, उसके जो है इस साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड में जो है इधर उधर दोनों तरफ जो है कैनॉल्स में सिंचाई आसानी पूर्व पानी को जो है फील्ड में ओपन करके आसानी पूर्व सिंचाई की जा सकती है कैनॉल्स नहरों से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नहरों से वही सिंचाई हो सकती है, उन्हीं फसलों की सिंचाई हो सकती है जो नहर के किनारे पर जो फील्ड हैं। अगर ये नहर के किनारे पर, कैनाल के किनारे पर नहीं है और काफी दूरी पर है, फिर आपको वहां पर जो है ट्रैक बना करके, रास्ता बना करके वहां पर आपको ले जाना पड़ेगा पानी को, फिर वहां पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। अगला होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम से मैंने बताया कि रिवर में वाटर जो पानी नदियों में बह रहा है, वहां से पानी को वाटर को लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के हमारे पास कई प्रोसेस होते हैं, मशीन के द्वारा लिफ्ट सक कर लिया जाता है, यह भी हमारा एक लिफ्ट सिस्टम होता है, और या तो फिर हम ढेबली का मेथड यूज करते हैं या फिर अन्य प्रोसेस से हम उसका यूज करते हैं। तो किस तरह से वहां से हम लिफ्ट कर, लिफ्टिंग प्रोसेस से मोटर को निकाल लेते हैं। कहां से निकाल लेते हैं? लिफ्टिंग प्रोसेस से मोटर को निकाल लेते हैं रिवर से। रिवर से हमने वाटर को निकाल लिया, तो रिवर से हमने वाटर को निकाल लिया है, अब हम उससे सिस्टम जो है क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है टैंक्स। टैंक का मतलब हो गया तो वाटर को हम स्टोर कर लिए। वाटर को स्टोर कर लेने के बाद फिर हम जो है पाइप के थ्रू जो है पतली सी पाइप के थ्रू हम स्प्रिंग जो है जैसे हम दवा का छिड़काव करने के लिए स्प्रिंग मशीन का यूज करते हैं, सेम है जस्ट लाइक ऐसे ही हम स्प्रिंग मशीन का यूज करके टैंक में वाटर को शिफ्ट करके भर करके और फील्ड के किनारे पर टैंक को खड़ा करके वहां से पाइप सिस्टम से हम लेके आते हैं और उससे इरिगेट करते हैं, उससे भी सिंचाई की जाती है। सॉयल को कुछ समय के लिए नम बनाया जा सकता है,
हमारे कहने का ये आशय बिल्कुल मत समझिएगा, हमारे कहने का ये आशय आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये जो है ये किस तरह से जो है कि ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये निकला कि जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे हमको इसका यूज करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है हम किस तरह से इसका यूज कर रहे हैं। आइए हम अपना अगला तीसरा पैटर्न आपको बता, मैंने पहला बता दिया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आपको किस प्रकार से पोषक पदार्थों का उपयोग करना है। फिर दूसरा मैंने बताया इरिगेशन, आपको सिंचाई कितने प्रकार से करनी है, टाइमली इरिगेट करना है। दिस इज अ गुड नेचर ऑफ द गुड फार्मर, दिस इज अ गुड नेचर ऑफ अ गुड फार्मर। एक अच्छे किसान की अच्छी पहचान होती है वो फसलों को समय समय पर उसकी सिंचाई करता रहे। और समय समय का मतलब ये मत समझिएगा कि हमेशा उसको पानी से डुबोए रखे, नहीं, उनको जब पानी की आवश्यकता हो ऐसी कंडीशन में ही उनको जो है वाटर इरिगेट किया जाए, मीन्स इरिगेट किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं, ये मैंने जो है आपको इरिगेशन का प्रोसेस बताया, आइए क्रॉपिंग पैटर्न को देखा जाए। माय डियर फ्रेंड, ए गुड फार्मर, एक अच्छे किसान की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्रॉपिंग पैटर्न को कैसा यूज कर रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, जो खेती की जाती है दो प्रकार की खेती होती है, क्या क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। यहां पर मैंने कहा मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, एक मिक्स क्रॉपिंग होती है मिक्स मिश्रित खेती और इंटर क्रॉपिंग एक के बाद एक खेती। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से अगर मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग को ध्यान में रखते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब यह हो जाएगा हमारे लिए कि हम एक ही साथ एक ही फील्ड में टू आर मोर देन टू क्रॉप्स आई हैव ग्रोन टू अ सेम टाइम। जब हम एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को पैदा कर लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं गन्ने की खेती कर रहा हूं, तो गन्ने की खेती में गन्ने के बीच बीच में स्पेस होता है तो वहां पर मैं वेजिटेबल्स को लगा दिया। जब तक गन्ना डेवलप करे तब तक हमारा वेजिटेबल्स तैयार, सब्जियां हमारी तैयार हो जाएंगी, फिर उसको हम बाहर निकाल लेंगे। सब्जी का भी हमने डबल इरिगेट किया ना, डबल टू टाइम्स मैंने जो है इसको जो क्या किया, क्रॉपिंग किया। तो यहाँ पर अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, दोस फार्मर दोस जो टेक द मिक्स क्रॉपिंग दे हैव कैन नॉट बी गोइंग ऑन लॉस। वे किसान जो कि मिक्स क्रॉपिंग करते हैं कभी भी दे हैव कैन नॉट बी गोइंग ऑन लॉस, कभी भी हानि में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई एक क्रॉप अगर उनकी जो है डेवलप कर गई तो नेक्स्ट क्रॉप जो है, अगर ये क्रॉप डैमेज हो रही है तो नेक्स्ट क्रॉप डेवलप हो रही है। तो मिक्स क्रॉपिंग करने वाले किसान कभी भी हानि की स्थिति में नहीं जा सकते। माय डियर फ्रेंड, तो यहां पर आपने देखा कि मिक्स क्रॉपिंग के विषय मैंने कई टॉपिक्स आपको बताया, कपास है, जिसमें कपास के लिए मैं आपको बता दूं कि बीटी कपास है, सीटी बैगन है और बीडी मक्का है। तो बीडी कपास है, बीटी कपास इसको बोला गया, बीटी कपास बोला गया। दूसरा मैंने कहा कि बीटी जो है बैगन बोला गया, फिर बीटी मक्का बोला गया। ये मक्के की खेती के साथ बैगन की खेती भी कहीं बीच बीच में लगा दीजिए, आसानी से क्रॉपिंग हो जाएगी। जैसे आप सिंपल वे में क्रॉपिंग कर रहे हो, अभी आप व्हीट की क्रॉपिंग करने जाओगे, व्हीट की क्रॉपिंग के साथ आप क्या करते हैं, मस्टर्ड की भी क्रॉपिंग कर देते हैं। आप जो है जैसे जैसे आप जो है गेहूं के साथ आप उसी के साथ आप जो है सरसों की भी खेती किनारे किनारे पर या बीच बीच में आप कर देते हैं, जिससे कि सरसों की आपको मिल जाती है, मस्टर्ड भी आपको मिल जाएगी। दूसरा प्रोसेस ये होता है, मस्टर्ड के साथ साथ आपको क्या और मिल जाएगा, फीट आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए उसमें बेनिफिट किसान को और भी होता है कि मस्टर्ड जो होती है वो अगर इरिगेट आपने कर दिया है, अगर आपने इरिगेशन किया किसका, व्हीट का आपने इरिगेशन किया और हवा का बहाव आ गया तो हवा का बहाव वो जो है ये रोक लेता है। जो आपने देखा कि जो सरसों का पौधा है, मस्टर्ड प्लांट है, ये उसको गिरने से रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। तो इस तरह से आपकी फसल भी बच जाएगी और आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे, आपको व्हीट का भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मैंने बताया कि आपको मस्टर्ड का बेनिफिट मिलेगा। तो ये मिक्स क्रॉपिंग हुई। तो मैंने कहा कि मिक्स क्रॉपिंग करने वाला फार्मर कभी भी जो है वो लॉस की कंडीशन में नहीं जा सकता, कभी भी हानि की कंडीशन में नहीं जा सकता। मैं इन सभी का फिगर अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मिक्स क्रॉपिंग बताया, इंटर क्रॉपिंग पर आइए ध्यान देते हैं। इंटर क्रॉपिंग का पैटर्न क्या होता है माय डियर फ्रेंड, दोज फार्मर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए, सेम फील्ड में सेम क्रॉप्स को सेम टाइम रेगुलर टाइम यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कह दिया कि इस फील्ड में सिर्फ अनाज ही पैदा की जाएगी, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे उस सॉइल की फर्टिलिटी पावर लॉस कर जाती है, इसलिए हमको क्रॉप फील्ड को लगातार चेंज करते रहना है।
आज हमने इस साइड में क्या कर, इस साइड में करें, फिर इस साइड में करें, फिर इस साइड में करें, फिर इस साइड में करें, तो हम लगातार थोड़ी थोड़ी प्लेस को चेंज करते जाएंगे। तो ये होता है एक, आज हमने इसमें जो है डाइकॉट की क्रॉपिंग किया, नेक्स्ट टाइम मोनोकॉट की क्रॉपिंग करें, फिर डाइकॉट की क्रॉपिंग करें, फिर मोनोकॉट की क्रॉपिंग करें, फिर डाइकॉट की क्रॉपिंग करेंगे। ऐसे हम डाइकॉट मोनोकॉट मिक्स क्रॉप मींस इंटरक्रॉपिंग के पैटर्न पर टाइमली ये हम क्रॉपिंग करते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, बता रहा हूं कि किस तरह से अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारा बेनिफिट मिलता है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है, खेत को फील्ड को कभी भी आपको इम्पटी नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, खाली आप नहीं छोड़ेंगे, इम्पटी नहीं रखेंगे उसको, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा आप हर सीजनल प्लांट, कुछ ऐसे भी खेतियां होती हैं जो भी मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा आपको, कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जो कि बिना लागत की होती हैं, बिना पैसे की होती हैं। तो बिना पैसे की क्रॉप्स के लिए माय डियर फ्रेंड, जिसे बिना लागत वाली जो है, बिना लागत वाले उत्पादन है, कुछ में जो अल्प लागत लगती है, कुछ है जिसमें अधिक लागत लगती है। तो माय डियर फ्रेंड, किसानों को सबसे पहले बिना लागत के विषय में सोचना चाहिए, कैसी कौन सी क्रॉपिंग करें हम जिसमें बिना लागत की खेती हो जाए, बिना पैसे की खेती हो जाए। अब कुछ ऐसी क्रॉपिंग होती है जिसमें पैसा लगे लेकिन कम लगे, बेनिफिट मिले किसान को, कुछ ऐसी खेतियां होती है टफ होती है, हार्ड होती है, जिसमें पैसा ज्यादा लगता है और मिलता है उनको ज्यादा है। जैसे सपोज कह रही पैसा ज्यादा लगने वाली क्रॉपिंग के विषय मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मशरूम की खेती किया है, उसको प्रोटेक्ट करके प्रोवाइड करके वहां तक प्रोच्योर करने में आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा। अगर ये पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, पैसा तो ज्यादा खर्च हो ही रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे हो उसके साथ बेनिफिट ही आपको ज्यादा हो रहा है। तो आपने देखा कि बिना फसल को जो है, बिना पैसा लगाए भी आप प्राप्त कर सकते हो, कुछ पैसे को लगा करके भी आप प्राप्त कर सकते हो, और ज्यादा पैसे को लगा करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आपको बेनिफिट लेना है, आप उस प्रकार का बेनिफिट आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने सिंचाई के विषय में आपको बता दिया, और यहां पर देखिएगा मैंने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल की अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता का प्रबंधन कैसे करना है, फसलें कैसे अधिक से अधिक उत्पादन देंगी, इसके सारे प्रोसेस मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए कि मैनरिंग करना है, फर्टिलाइजिंग करना है, टाइमली मैनरिंग करना है, टाइमली फर्टिलाइजिंग करना है, टाइमली हार्वेस्टिंग करना है, टाइमली थ्रेसिंग करना है, टाइमली उसको इरिगेट करना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक मैंने बताया, समय से उसकी सिंचाई करना है, समय से खेत की जो सिंचाई करना है, समय से उसके क्रॉप को कटाई करना है, समय से उसमें जो है खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह, मिट्टी को चेक कराना है, सारी बातों को जो कुछ मैंने आपको बताया है, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख करके और आप क्रॉपिंग करते हैं तो कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। दोस टाइप्स ऑफ फार्मर दो जब टेक इनटू दिस टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन दे हैव कैन नॉट बी गोइंग ऑन लॉस। Those types of farmer, those who have taken these types of action, these types of activity, those types of farmer can have not be going on loss. अगर किसान ने इस तरह से अपनी खेती को किया तो कभी वो हानि में नहीं जाएगा, कभी उसको हानि का जो है हानि में किसान को नहीं जाना है। They have always be going on benefit. वो हमेशा benefit में ही रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के विषय बताया। अब आइए चलते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे प्रोडक्शन तो हमारा अधिक हो गया, हमने क्रॉप का प्रोडक्शन तो अधिक कर लिया, अब क्रॉप को प्रोडक्शन तो अधिक कर लिया, और ध्यान से इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको, मैंने अभी भी आपको बताया कि फर्टिलाइजर का हम उतना उपयोग न कर सके हमारी फसलों के लिए हानियां हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि फर्टिलाइजर का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग न करें, फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना है क्योंकि आपको क्रॉपिंग अच्छी करनी है। हाँ, आप जियोकेमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर यूज कर, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं आप आसानी पूर्वक, जैविक खाद का उपयोग आप कर सकते हो, जो बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खाद है, उसका उपयोग आप करिए, उसका उपयोग करने से फसलें जो है वो उसका जो टाइम ऑफ इंटरवल होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लंबे समय तक खेतों की उर्वरक क्षमता, खेतों की पावर ऑफ फर्टिलिटी को, फील्ड की पावर ऑफ फर्टिलिटी को इंक्रीज किया रखते, बनाए रखते हैं, जिससे लंबे समय तक फसलें जो है आपकी पैदावार देती रहती। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने अभी अभी आपको सारे पॉइंट्स के विषय में डिस्कस करा दिया है। अब मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको अगले जो है, इस तरह से मैंने खेती के विषय में लाभ के, अब तो आप समझ गए
खेती से आपको कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं और इरिगेट कैसे करना है, इरिगेट के विषय में भी मैंने बता दिया, पैटर्न के विषय मैंने बता दिया कि मोनोकॉट डाईकॉट, इस तरह से आप क्रॉपिंग पैटर्न के भी विषय मैंने आपको बताया, इसको भी आप आसानी से यूज करके अच्छी खेती कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसको भी आपको यूज करना है। अब आइए देखते हैं, अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक होता है, लास्ट का टॉपिक हमारा जो चलेगा वह है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड, क्रॉप प्रोटेक्शन मींस होता है कैसे अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करें, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मींस होता है कि आप सुरक्षा कैसे देंगे। आइए देखते हैं, अभी तक तो मैंने आपको बताया ही, अब आइए प्रोटेक्शन के विषय में बताना चाह रहे हैं आपको, फिर क्रॉप को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको बोला जाएगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड, क्रॉप को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसको हम कहते हैं क्या, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इसमें पहला प्रबंधन होता है माय डियर फ्रेंड्स वीड्स का, ध्यान दीजिएगा, वीड्स का। वीड मींस होता है अनवांटेड प्लांट्स हैव ग्रोन इन योर फील्ड, ऐसे अनवांटेड प्लांट, अनचाहे पौधे जो आपके फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे पौधे। आपने खेती किया, किसी और पता लगा उसमें ढेर सारे ऐसे पौधे ग्रो कर गए जो कि खेती में फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं। आपको वीड्स को वीडिसाइड का यूज करिए, वीडिसाइड का यूज कर रहे हैं तो वीड मींस अनवांटेड प्लांट्स में डेड एंड डिकेट कर जाएंगे, सड़गल जाएंगे। तो यार नहीं सड़गल है तो उसको अगर निकालना चाह रहे हैं आप, उसको निकाल लीजिए। अगर निकलने लायक है तो आप आसानी पूर्वक उसे निकाल लीजिए। ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर बताने से बता रहा हूं आपको कि क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में आपने देखा कि प्रोटेक्शन अगर आपको करना है, सबसे पहले प्रोटेक्शन के प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वीड्स, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। माय डियर फ्रेंड, अनवांटेड प्लांट को हमने इस तरह से निकाल लिया, तो अनवांटेड प्लांट को अगर हम निकाल लेते हैं, तो अनवांटेड प्लांट को निकाल करके हम करते क्या है कि जिसको हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट को हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है कि जो ऐसे प्लांट जो कि उपयोगी नहीं है, आपकी फसल के लिए उपयोगी नहीं है, उन फसल उन प्लांट्स को आप सिंपल सिंपल करके, थोड़े थोड़े करके आप उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से नहीं तो हमारे पास कुछ केमिकल्स आते हैं उनका भी यूज, जैसे 2,4-D हो गया तो 2,4-D का यूज कर लेते हैं, और इस तरह से उनका यूज करके हम आसानी पूर्वक जो है अनवांटेड प्लांट्स को उसमें पूरी तरह से गला देते हैं, सड़ा देते हैं। तो इस तरह से सकरी पत्ती वाले पौधे हो गए, आपके पौधे की पत्तियों का विकास था, उसमें सकरी पत्ती वाले पौधे ग्रो कर गए बीच बीच में, तो आपकी फसलों की पत्तियों के विकास में हानि पहुंचाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जब फसलों की पत्तियों में डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो फसलें अपना भोजन का निर्माण किस प्रकार से करेंगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अच्छी फसल को पैदा करना है, उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको उसमें से पतले पौधों को आसानी पूर्वक उसमें से निकाल लेना होगा। तो पतली जो है पत्ती वाले पौधों को आपने निकाल दिया, पतली पत्ती वाले पौधों को निकाल करके मैंने कहा कि अगर आपने द्विबीजपत्री पौधों की उत्पादन किया है तो उसमें से एक बीजपत्री वाले पौधों को निकाल दीजिए, एक बीजपत्री वाले पौधों का उत्पादन किया है तो द्विबीजपत्री वाले पौधों को निकाल लीजिए। मींस दोनों को, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, मोनोकॉट लीडर और डाईकॉट लीडर, दोनों प्लांट को एक साथ आप ग्रोइंग नहीं कराएंगे। एक दोनों पौधों को एक साथ आपने कर दिया तो वहां पर ये डेवलपमेंट प्लांट का सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो पौधे का डेवलपमेंट भी सुचारू रूप से हो जाए, पौधे का विकास भी सुचारू रूप से हो जाए, और प्रोटेक्शन आप सुरक्षा दे रहे हो। अब पौधा बड़ा होना शुरू किया तो उसके पास ढेर सारा भी, आप पहली तो दिक्कत आई आपके सामने वीड्स की, आपने रिमूविंग ऑफ वीड्स कर लिया, रिमूविंग ऑफ वीड्स किया मींस आपने रिमूव किया वीड्स को, क्या किया आपने, रिमूव किया, बाहर निकाल लिया वीड्स को। जब आप वीड को बाहर निकाल लेते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को आपने बाहर निकाला, तो अनवांटेड प्लांट को जब आप बाहर निकालते हो तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, अब आपके पास अगला प्रोसेस होता है कि आप जो है, मैंने इसके लिए केमिकल्स को भी आपको विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को बताया, और नहीं केमिकल्स है तो कुछ आपके पास जो अप्लायंस हैं, खेती के जो उपकरण हैं, उनकी जो खुरपी हो गई उसकी सहायता से आप खोद खोद करके उसमें से निकाल लेते हैं, उसमें से थोड़ा डिचिंग करके हल्का हल्का उसकी खुदाई करके, डिगिंग करके हल्का हल्का सा आप निकाल लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसको हम जो है आसानी पूर्वक उससे निकाल लेते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे भी है, मैंने कहा कि जैसे 2,4-D हो गया, 2,4-D वीडिसाइड्स है, ये अनवांटेड प्लांट्स जो डेवलप कर रहे हैं उनको पूरी तरह से ये डेड एंड डिकेट कर देगा, सड़ा गला देगा, मार देगा। तो आपने पौधे को सुरक्षा प्रदान किया,
तो इस तरह से पौधे की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए ध्यान दिया जाता है। कुछ जैविक विधियां होती है माय डियर फ्रेंड, जैसे खरपतवार जो है ये हमारे कृषि के लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। खरपतवार जो होते हैं ये हमारे कृषि के लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, अर्थात हमारे हमको अच्छी फसल पैदा करना है, अगर उसमें खरपतवार ज्यादा मात्रा में हो गए ये हमारी फसलों के लिए, मैंने क्या कहा कि ये दुश्मन होते हैं, अर्थात ये हमारी फसलों के डेवलपमेंट नहीं होने देते, फसलों का विकास नहीं होने देते। उसके बाद हमारा अगला जो होता है वह है इंसेक्ट। तो इसमें आप देखिएगा कि इंसेक्ट क्या होता है, आइए पहले इंसेक्ट को देखा जाए। तो इंसेक्ट, अगर हम इंसेक्ट के विषय में देख रहे हैं तो आइए देखते हैं इंसेक्ट के विषय में इंसेक्ट क्या है। इंसेक्ट मीन होता है कीट पतंगे। तो कीट पतंगों में आपने ढेर सारे, जैसे स्टेम बोरर देखा आपने, स्टेम बोरर हो, स्टेम बोरर स्टेम मीन्स तना, बोरर मीन्स छेद करने वाले, माने तने को होल कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर तना ही होल हो जाएगा तो प्लांट डेवलप कैसे करेगा? अगर तने में ही होल हो जाएगा, स्टेम बोरर जो है, स्टेम बोरर तने में होल करने वाले ऐसे कीड़े लग गए तो ये फसलों को सुखा देते हैं, फसलें सूख जाती हैं। जो रूट्स को, रूट कटिंग जो है इंसेक्ट होता है, रूट कटिंग इंसेक्ट्स जड़ों को काट देने वाले, तो वहां पर हमको क्या करना है, रिएजेंट यूज करना है। रिएजेंट यूज करते हैं, जड़ें हमारी सुरक्षित हो जाती हैं। रिएजेंट को यूज करने से जड़ें जो है वो जो इस तरह के जो जो कीट कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो जमीन में वो मर जाते हैं और फसलों का विकास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे हम फसलों के विकास को बढ़ा ले जाते हैं। इस तरह से हम देखा, जब फसलें मैच्योर कर जाती है, जब जैसे जब गंधी बाग आपने देखा, अब ये धान की फसल अभी जो आपके सामने हुई, जब इसमें फ्रूट फ्लावरिंग होने लगी, ऐसी कंडीशन में इस तरह के इंसेक्ट आकर के उसके जो व्हाइट मिल्क को, सफेद दूध को उसमें से शक करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उसमें से शक करते जाएंगे तो शक करते जाने से जो है लॉस क्या हुआ, पता ये चला कि फार्मर इज गोइंग ऑन लॉस, उसको सीड नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर वे में, मैच्योर वे में सीड नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से अगर आपको टोटल सीड लेनी है, पूरी तरह से आपको उसमें से सीड प्राप्त करना है, तो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना होगा। तो आपने देखा कि इस तरह से हम जो है फसलों की सुरक्षा के लिए जो है ये वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। और इसके बाद जो अन्य डिजीजें होती हैं, जैसे फंगल डिजीज आ गई, अभी आपने धान में देखा कि इसमें गंडो डिजीज आई, तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए जो कई प्रकार के हमने पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, तो इसका यूज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये फंगल है, तो यहां पर हम फंगीसाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फंगीसाइड का। ध्यान दीजिएगा, वीड्स है तो वीडिसाइड्स, इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, अगर ये फंगस का है तो फंगीसाइड्स, अगर बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया तो बैक्टीरियोसाइड्स का हम यूज करेंगे। इस तरह से जो आपने देखा कि पादप रोग जो होते हैं वो सॉयल से डेवलप करते हैं, जमीन से आ रहे हैं, या पादप रोग जो है हवा से आ रहे हैं, या पादप रोग जो है वह जल से आ रहे हैं, किस प्रकार से, सॉयल से आ रहे हैं कि एयर से आ रहे हैं कि वाटर से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, इसका भी हमको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको ध्यान में रख करके हम इन प्रकार के जो है वीड्स, इन प्रकार के अनवांटेड इंसेक्ट्स को, जो कि इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे फसलों के लिए हार्मफुल है, उनको हम उनसे अपनी फसलों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो हमारी फसल निश्चित ही सुचारू रूप से बढ़ जाती है आगे। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो फैली वेधक कीट जिनको बोला गया, अरहर की फसल तैयार हो गई, तैयार होने के जब उसमें सीड मैच्योर होना शुरू किए तो फली में, लेग्यूम में, उसके लेग्यूम को, लेग्यूम बोरर हो गए, लेग्यूम को उसमें होल करके उसमें इंसेक्ट इंटर किए और सीड को खाना शुरू कर दिया, तो वहां पर लेग्यूम में इंटर करके सीड को खाना शुरू कर दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कंडीशन में अगर लेग्यूम में इंटर करके सीड को खा जा रहे हैं तो किसान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। किसान को अच्छी पैदावार लेनी है तो उनको इस तरह के इंसेक्टों से, उसको इंसेक्टिसाइड का यूज करके, पेस्टिसाइड का यूज करके उनको बचाना होगा, इस तरह से छिड़काव करके उनको बचाना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ है जो कि पेस्टिसाइड, मैंने कहा पीकरनाशी जिसको बोला जाता है, पीकरनाशी में पीकर का मतलब यह होता है कि जो जो ऐसे जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, पीकरनाशी जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, साथ ही साथ वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक है। तो वनस्पतियां भी हमारे सुचारू रूप से, समुचित रूप से सुरक्षित रहे और जीव भी हमारे सुचारू रूप से, संचित रूप से सुरक्षित रहे, तो दोनों ही स्थितियों में
अपने को और फसलों को सुरक्षित रखते हुए हम यहाँ पर पीकर नासी मीन्स जो है इसको हम आसानी पूर्वक कहते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड के यूज में कई प्रकार के हैं, फंगिसाइड है, जैसे सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा रोडेंट नासी है, इस तरह के रोडेंट नासी है, कीटनाशी है और कृमिनाशी है। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो कि हमारी फसलों में लग रहे हैं और इन फसलों को हमको उससे बचाना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो माय डियर फ्रेंड, फसलों को हम आसानी पूर्वक इस तरह से बचा ले जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक होता है कि हम अनाज का, जब फसलें पूरी तरह से हमारी परिपक्व हो जाती हैं, मैंने टाइमली इरिगेट किया, टाइमली जो है उसकी सिंचाई किया, समय से उसकी मड़ाई किया, समय से ग्रेन को प्राप्त किया, और ग्रेन को प्राप्त करते समय आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्रोटेक्शन आपको बताया कि वीट से प्रोटेक्शन करना है, पेस्ट से जो है इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करना है, और फंगस से प्रोटेक्शन करना है, बैक्टीरियल से प्रोटेक्शन करना है। इस सबसे किसान सबसे स्ट्रगल करता हुआ अपनी फसल को बचा लिया। बचाने के बाद अब फसल का भंडार जो है अनाज का भंडारण कैसे करें, मींस स्टोरेजिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रेन, माने जो अनाज है उस अनाज का उत्पादन उसका भंडारण कैसे किया जाए, अनाज का भंडारण कैसे किया जाए, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अनाज का भंडारण करने के लिए हमको उस अनाज में जो सीड हमको मिला सबसे पहले उसको जो है पूरी तरह से ड्राई कर दें, सुखवा लेना चाहिए। सूख जाने के बाद फिर जो है उसमें हम कुछ विशेष प्रकार के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला देते हैं, मिक्सअप करते हैं, फिर उसको जो है ले जाकर के हम स्टोर करते हैं। ड्राई हो जाने के बाद फिर उसको हम स्टोर करते हैं। तो जब ड्राई हो जाने के बाद हमने उसको स्टोर किया है, इसको कहा जाता है स्टोरेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, माने अनाज का भंडारण हमने कर लिया। तो अनाज के भंडारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि भंडारण के समय जो उत्पन्न होने वाली क्षतियां हैं, भंडारण में जो उत्पन्न होने वाली क्षतियां हैं, उन क्षतियों को, उन कमियों को कैसे रोका जाए। भंडारण के समय तो आपने अगर सीड को ले जाकर सिंपली ऐसे स्टोर कर दिया तो सीड हमारे क्या करेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। तो उनको डैमेज होने से हमको रोकना है, मैंने सीड को डैमेज होने से रोकना है, क्योंकि हमारे साल भर की खेती होती है, इसे फार्मर को और पूरे लाइफ को साल भर चलाना होता है। जो और भी अदर जिनके जो बिना खेती वाले हैं उनको भी हमको फसलों तक फसलों को पहुंचाना है। इस तरह से वहां पर चाहे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकली बेस्ड होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। भाई कोई किसान अपना अनाज ऐसे नहीं देगा, आपको पैसा लेकर के अनाज दे, क्योंकि पैसे को खर्च किया है, तो पैसा लेकर के अनाज को दे रहा है, तो आपको अनाज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसको भी ध्यान में जो है फार्मर को रखना है, किसान को रखना है। तो भंडारण के लिए भी किसान को पूरी तरह से पीकरनाशी पदार्थों का, इंसेक्टिसाइड्स का इस तरह से यूज करना है ताकि उसके अनाज को जब भंडारण कर लिया जाए तो वह काफी समय तक सुरक्षित रहे। उसमें आप लोगों ने सिंपल वे में देखा है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पैथन जो है इस तरह से हम उसे फास्फेट वगैरह रख देते हैं, फास्फेट वगैरह को रख दिया जाता है या सल्फर वगैरह को रख दिया जाता है, तो या फिर गैलेक्सिन मिला करके रख देते हैं, या फिर ऐसे कुछ मटेरियल आते हैं, केमिकल्स आते हैं हमारे पास जो कि सिंपली आते हैं, तो उनको हम रख देते हैं मिला करके। रख देने से क्या होता है, रख देने से ये आसानी पूर्वक जो है हमारी फसलें और ग्रेन्स जो है ये आसानी पूर्वक सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हम इस तरह की कल्चरिंग करके ग्रेन को हमने क्या किया, पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। माने अनाज भंडारण जो हुआ था उस अनाज भंडारण को हमने समय रहते हमने क्या कर लिया, पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन से कौधरी और अपने इस लेक्चर के साथ मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि मोस्टली क्लास 9th के बच्चों से जिनसे कोर्स की शुरुआत होती है वो इसका पूरी तरह से नोट बनाएंगे और प्रिपेयर रखेंगे, और उसके हायर क्लास के बच्चे जो हैं वो इस तरह की बातों को ध्यान देंगे कि वो भविष्य में कैसी खेती करें, किस प्रकार की खेती करें, और वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लोगों को, फार्मर को समझाएं, बताएं, क्योंकि आज के ही बच्चे कल के भविष्य हैं, आज के बच्चे जो है यही कल के भविष्य हैं, यही भविष्य में हमको सारी जानकारी देंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कौधरी के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे हमको किस तरह से
जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना है, उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना है। प्रोडक्शन कैसे करना है, फिर प्रोटेक्शन कैसे करना है, सुरक्षा कैसे करनी है। सुरक्षा करने के बाद हम पहुंच गए हैं किस पर, अनाज के भंडारण पर। तो अनाज का भंडारण कैसे किया जाएगा, मैंने इसके भी विषय में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का वर्णन आपके सामने किया। तो इस तरह से उसमें अनाज को भंडारित कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे उसमें जो अनाज में कम से कम जो है इंसेक्ट ना लगे या अन्य प्रकार के जो है मटेरियल्स उसमें ना है, इस तरह से हो तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो मैंने आज का टॉपिक जो है यहीं पर जो है समाप्त किया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ आज को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इस बात से आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर लगातार चलता रहेगा। और मैंने आपसे बताया है कि मैं पर डे अपना एक ना एक लेक्चर देता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, और अब तक मेरा लेक्चर पहुंचता रहेगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।